गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूं जो कि आपके कंपटीटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नज़र डालें। आज 16 मई 2021 से फर्स्ट पॉइंट क्या है, किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के एकल पुरुष सिंगल का खिताब जीता है, तो कौन है, अलेक्जेंडर जेवेरेव। उनका नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर से याद रखिएगा, अलेक्जेंडर द पोप द ग्रेट बहुत बड़े हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत नाम जानते होंगे तो ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, IPL के किस फ्रेंचाइज लीग ने COVID-19 राहत कार्य के लिए 30 करोड़ रुपए दान देने की बात की है, तो ये सनराइज हैदराबाद थे IPL के, जानते होंगे ये, तो उन्होंने 30 करोड़ रुपए क्या किए, दान दिए हैं COVID-19 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रिटेन ने किसने अपने पीपल्स एडवोकेट नामित किया है, तो कौन है, डेविड एंटेन बोरो, इनको नामित किया गया है। अभी आपको याद होगा को जो COP 26 अभी सबमिट होनी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 नंबर की, कहाँ पे होनी है, ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पे है, तो स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड किसका पार्ट है, तो ग्रेट ब्रिटेन का ये पार्ट है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, AI एक्वायरीज पूरा तात्विक स्थल किस देश में है, ये इराक में है, ठीक है, ये एक प्लेस है और ये रेगिस्तान में धस रहा है, ठीक है, रेगिस्तान जो है वहाँ पे, क्योंकि डेजर्ट एरिया ही है तो वहाँ पे ये धस रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ में रहा, ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। ये पॉइंट क्या है, इसका नाम AI एक्वेजर, ठीक, ये एक पुरातात्विक हिस्टोरिकल प्लेस है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो क्या है, ये है आपका सिल्वा कीर ने अपने देश की संसद को भंग कर दिया, सिल्वा कीर थे, उन्होंने अपने देश की संसद को भंग कर दिया, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं दक्षिण सूडान, कहाँ के हैं, दक्षिण सूडान के, और दक्षिण सूडान की कैपिटल कहाँ है, तो जूबा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, असम में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग टेस्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था, इस सिस्टम को असम राज्य आपदा प्रबंध एजेंसी ने किसके साथ मिलकर किया, तो ये UNICEF के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविन हेल्पलाइन शुरू किया गया, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। यहाँ पे जैसे कि जो कोविड पेशेंट हैं, अब वो तो एक्सरसाइज जो हैं, जो नॉर्मल चीज़ें गुड्स वो ले नहीं पा रहे हैं ना, तो उनको वहाँ उनके डोर टू डोर जाके दवाइयाँ हुई या फिर जो भी उनको सुविधा, मतलब जो भी उनको चाहिए, वैसे ये जो ज़रूरत की चीज़ें वो उनको घर पे प्रोवाइड की जाएगी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है, किसने 24 घंटे में सबसे अधिक लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने में गिनीज वर्ल्ड किया है, तो कौन है, गेवा, नाम तो जानते होंगे गीवा का, इसके हमारे जो हर्षवर्धन हैं वो भी इसके हेड हैं, और ये किसके द्वारा किया गया, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य ने मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम लॉन्च किया, तो ये बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया, तो बिहार के द्वारा भी कहाँ, तो बिहार शिक्षा परियोजना जो है, यानी जिसे कि BEPC के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा किया गया, तो क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके की इनिशिएटिव राज्यों के द्वारा ली जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसने पुरुष एकल में मैड्रिड ओपन 2021 का खिताब जीता है, तो अभी हमने देखा ये अलेक्जेंडर जेवर थे, इसमें एक पॉइंट छूट गया था इसलिए मैंने वापस से इसको इंक्लूड किया है, ये इनका सेकेंड है, इससे पहले 2018 में जीते थे, अब ये 2021 में जीते हैं, और किसको हराया है, तो ये राफेल नडाल को हराया, तो ये पॉइंट याद रखें, क्योंकि राफेल नडाल बहुत बड़े नाम है, ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू एस्पिरेंट, और अपना प्यार बनाए रखिए, और प्लीज़ कीप सेफ इन योर सेल्फ, यू एंड योर फैमिली।